तो इसी बीच खबर आ रही है कि आज से टीकाकरण का एक और दौर शुरू हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना केस में आई बाढ़ को देखते हुए वैक्सीन का बूस्टर डोज आज सुबह से लगना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर के अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों से होगी। देश में करीब 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इनके अलावा 60 साल से ऊपर के लोगों की संख्या भी लगभग 13 करोड़ है। इस हिसाब से देश में 16 करोड़ बूस्टर डोज की जरूरत होने वाली है। आपको बता दें कि बूस्टर डोज के लिए कोविन ऐप पर शनिवार से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। दरअसल तीसरी प्रिकॉशन डोज उन स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से या उससे ज्यादा की उम्र के बीमार लोगों के लिए लगनी है, जिन्हें कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगे लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को अग्रिम मोर्चे का कर्मी माना गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि एहतियाती खुराक के लिए 1 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चा के कर्मियों और सीनियर सिटीजन के अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को कार्यक्रम के लिए SMS भेजकर स्मरण कराया गया है। इसके अलावा मांडविया ने रविवार को अपने एक ट्वीट में कहा है कि कोविन ऐप के जरिए समय बुक किया जा सकता है। वैक्सीनेशन का अभियान सोमवार से शुरू हो रहा है। तो वही आपको बता दें कि बूस्टर डोज को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए सीधे अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है।